क्लास 12 फिजिक्स में लेसन नंबर 12 आपका है। पहले हम लोग कुछ फार्मूला के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं और इस फार्मूला के तहत जो सवाल होंगे हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। देखो पहला फार्मूला सबसे महत्वपूर्ण इसमें रहेगा, अपन होंगे डेल्टा ई बराबर एच न्यू। डेल्टा ई बराबर क्या होता है, एच न्यू, या डेल्टा ई बराबर एच सी बटा लेमडा, या सी बराबर न्यू गुणे लेमडा, या वो पढ़े थे ना आप एम भी आर बराबर यन एच अपान टू पाई, या आपके पास यू बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो जेड ई जेड है बाबू इंटू ई बटा में आर, यहाँ पे भी पढ़ोगे एफ बराबर एम भी स्क्वायर बटा में आर, या त्रिज्या नाभिक के त्रिज्या के लिए आप सूत्र स्थापित, अरे त्रिज्या का सूत्र याद है तुम लोग को, त्रिज्या का क्या सूत्र एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा में बटा में बोल, तो उसमें देखो कॉपी पर देखो ये फॉर्मूला याद नहीं है तुम लोग, पाई एम जेड स्क्वायर। चलो और ये बेग का लिए बताओ तो बेग बराबर, बेग बराबर बोलो ई स्क्वायर, हाँ यार बहुत सही से पहले ऊपर बोलो ऊपर का है जेड स्क्वायर जेड ई स्क्वायर, हाँ एन एच टू एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। आई ऊर्जा वाला भी सिद्ध किए थे ना डेल्टा ई बराबर तो माइनस 13.6 बटा में यानी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो इतना आपका फार्मूला है, केवल आपको समझना है, उतारने वाला काम नहीं, आवृत्ति वाला ये चलो जगह नहीं के दिखा दे तो चलिए आते हम लोग गाना गान निकालो निकालो जिसको आर ना पार होगा मना फटाफट हम लोग पढ़ेंगे, निकाल लिए सब लोग तुरंत पे देना मुझे बोलो 164 आइए है है राकेश बाकी ना जुगाल कहाँ बा, अरे बालाजी चाहे कुछ निकाल लो कुछ भी हो। चलो एक नंबर क्वेश्चन सब हल करना चालो, उतारने वाला काम नहीं केवल समझना है। करा देखो पहला क्वेश्चन, एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 10 के ऊपर माइनस 12 जूल है, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 10 के ऊपर माइनस 12 जूल है, यह सोने के नाभिक जिसका जेट का मान 79 से प्रतिक्षेप प्रक्रियन करता है, तो अल्फा कण के नाभिक से निकटतम दूरी बताना, क्या बताना है दूरी, नाभिक से क्या बताना है दूरी, ये बताइए जब गतिज ऊर्जा कह रहा है क्या कह रहा है बाबू गतिज ऊर्जा, तो के बराबर होगा 10 के ऊपर माइनस 12 जूल, सब लोग बड़े गौर पर ही देखेंगे लिखने वाला कार नहीं बाबू, और परमाणु क्रमांक सोना का जेड कमा दे दिया 79, कहा दे दिया 79, अल्फा कण के नाभिक से निकटतम दूरी पूछ रहा है कितना होगा, कितना दूरी होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है आइए हल कर देते हैं। तो दूरी का मतलब आर जीरो का मान पूछ रहा है, अच्छा ये याद करो तुमने के बराबर या यू बराबर जो भी कहो 1/4 πε0 इंटू जेड ई इंटू यहाँ पर 2e लिखिएगा, अभी हम बताते हैं क्यों, हम बता रहे हैं जैसे अल्फा कण होता है ना, अल्फा कण बाबू अल्फा कण जब भी होता है ना तो इसको हम लोग हीलियम का नाभिक कहते हैं, हीलियम का नाभिक कहते हैं सब लोग याद रखो, हीलियम को होता है 2h के ऊपर, अल्फा कण का आवेश ना कब दुगुना होता है, कब का होता है दुगुना होता है, तो इसका जो आवेश होगा वह आवेश 2e के बराबर होगा, किसके बराबर होगा 2e के बराबर होगा, ई के जगह पर 10^6 × 10 को मैं समझ रख सकता कितना होता है, इसीलिए हमने यहाँ जो सूत्र पढ़े थे ना यहाँ पर जो लिखा गया है ये वाला हिस्सा यही है, लेकिन ई के जगह पर 2e का है कि अल्फा कण का है, अब मान भरो मान भरो, अच्छा क्या निकालना आर जीरो, आर जीरो का अकेले करो पहले तो के बटा में आ जाएगा इसके जगह पर टीचर जी गुणा होगा, तो है क्या पूरा मान बोलो 9 × 10 के ऊपर 9 × 10 के ऊपर माइनस
नौ के दस को नौ होता है, चला जेड का मान, जेड का मान, जेड का मान उन्यासी। अच्छा अरे तू पहले लिख लो, आई का मान ई स्क्वायर हो जाए का हो, एक दशमलव छः गुण दस को माइनस उन्नीस गुण एक दशमलव छः गुण दस को ऊपर माइनस उन्नीस बट्टा में के, के का मान दस को ऊपर माइनस बारह है, बारह है। अब एक चीज बताओ, अब हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से पूछिए सर आप इस फार्मूला क्यों यूज किए, इतना फार्मूला बा तो देखे मैं ऊर्जा के बात को लगा तक किए बा। देखो कोई भी न्यूमेरिकल लगाना हो ना तो एक ऐसा सूत्र उसमें से चूज करना है कि जिसको निकालना है उसको छोड़ करके बाकी सब डाटा आपको मालूम होना चाहिए। जैसे इसमें आर निकालना है ना तो आर के छोड़ के आपको जेड भी मालूम होना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए, के भी मालूम होना चाहिए, और वन अपन फोर बाई एप्सिलॉन जीरो का मान भी मालूम होना चाहिए। अब पूरा मान मालूम है, रख दिए, अब इसको हल कर दो। हल का करना है पहले तो सबसे पहले देखो, सब लोग देखो, हल करने के लिए जितना घात है पहले उसको हल करते हैं। आज हम दशमलव देख रहे हैं, इसको और इसको हटाते हैं तो क्या होगा, देखो आर जीरो, इसको आर भी कर सकते थे ना, तो इसको आर भी करेंगे तभी तो डबल लिखा ही पड़ेगा आपको। नौ आई गुणा उन्यासी आई गुणा सोलह आई गुणा सोलह, अब सुनो आई आई उन्नीस उन्नीस कितना हो गया अड़तीस, अड़तीस में से नौ घटा दो तो दस के ऊपर माइनस उनतीस हो जाएगा। आई ऊपर जा रहा है दस के ऊपर प्लस बारह का छूट गया, आई दो, अच्छा चलो दो आगे लिख देते हैं। और नीचे देखो आई का बचत है, आई जीरो एक रखा थी दस, ये नीचे सौ बढ़ेगा, सब सब लोग देखो सौ बढ़ेगा ना, यानी दस के ऊपर दो लिख सकते हैं ना, लेकिन नीचे रख लगे का फायदा हुआ, फिर देख लो ऊपर लगे चल चले गए तो दस के ऊपर कितना आ गया माइनस दो। तब है में गुणा हुई ठीक बा, हाँ हाई तो हाई बारह उनतीस दो इकतीस, हाँ इकतीस में बारह गई उन्नीस माइनस उन्नीस बच्चा था, लेकिन दशमलव एने उन्हें कह लिए तो उन्नीस से एने उन्हें ये हो जाए, जब आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके पास मात्र तीन दशमलव छः गुणे दस के पावर माइनस चौदह मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब पूछेगा सही चौदह क्यों आ गया, तो सुन लो हमको लगता है कि जब गुणा करें तो तीन छः पाँच पाँच जो भी आ जाए इतना आएगा, दशमलव यहाँ पर है गुणा दस को माइनस उन्नीस है कुछ आएगा। अब इसको उठा करके पहले अंक के पास लेकर आएंगे, रूल है तो जब पहले अंक के पास लेके बाकी छोड़ दिया गया है एक दो तीन चार पाँच अंक लेकर आए तो दस के ऊपर पाँच और दस के ऊपर माइनस उन्नीस वही उन्नीस में पाँच घटा देने में तो मैंने छोड़ देगा। क्या आपको पहला सवाल समझ में आया सबको, हाँ ये सूत्र बस आपको याद करना चाहिए, बाकी तो डाटा भर के आप खुद हल कर सकते हैं, बड़ा दिक्कत ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, बिठा दो इसको, लिखना मत खाली समझो तुम लोग, सब सब लोग के पास है नहीं है सेम वैसे ही लगाए क्या, चलो मत ज्यादा सवाल हम लोग पढ़ लेंगे। चले क्वेश्चन नंबर दो पर आए, दो नंबर पर आ जाओ सब लोग, पहले सब लोग समझ गए सीख लिए कहना रखना है, क्यों दो आया समझ गए ना, क्योंकि अल्फा कर्ण का आवेश दो ही होता है। चलो क्वेश्चन नंबर दो, किसी उत्तेजित आपका उत्तेजन विभव पढ़े तो याद है, जब मनवा त्वरित विभव जब किसी इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराता है तो टकराने के बाद परमाणु में उत्तेजित यानी परमाणु को उत्तेजित कर सके उसी को उत्तेजन विभव कहते हैं, कल आपने इसको लिखा था। आयनन विभव भी लिखे थे तो वह न्यूनतम त्वरित विभव जब किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो वह परमाणु से टकराने के बाद परमाणु को आयनित कर देता है तो उसे आयनन विभव कहते हैं। तो प्रश्न है किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा देखा, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माने ऊर्जा का मतलब का ई दे दिला बा माइनस तीन दशमलव चार इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस इलेक्ट्रॉन का संवेग पूछ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का क्या पूछ रहा है संवेग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है संवेग, वो भी कौन सा संवेग कोणीय संवेग, कौन सा संवेग कोणीय संवेग। अच्छा ये बताओ तब दिमाग लगाओ सब लोग, ए बाबू कोणीय संवेग जब पूछा था तू और आप जब पढ़े थे ना बोहर के दूसरा नियम तो कोणीय संवेग जेड लिख लो चाहे एम भी आर लिखो, कोणीय संवेग बराबर होता है एन एच अपान टू पाई, एन एच अपान हमने के टू भी मालूम है, पाई के मान भी मालूम है तीन दशमलव चार, हाई एच के भी मान मालूम है छः दशमलव छः दस के मान चौंतीस, हाई एन के मान नहीं के मालूम तो पहले एन निकाला जाए, आ कैसे तो ऐसे, कैसे तो ऐसे देखिए याद करो अभी लिखा गया है कहाँ गया है कहाँ 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 यहाँ पर आ ई का मान तलग मौजूद है बा कहता ना माइनस तीन दशमलव चार इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये नु है जी तो रखो
अरे का करोगे, जिसको निकालना उसको अकेले करो, बराबर के पहले करो, यही हमारा सिद्धांत भी है। जिसको निकालना उसको अकेले करो, बराबर के पहले करो, अकेले करो, बराबर के पहले करो, तो चलता है ज्ञान को पहले। और मैंने 13.6 अगला टर्न बोल ड्रॉइंग रखो, ई आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 13.6 बट्टा में ई कमा माइनस 13.4 ऊपर अगला टर्न बोल्ट नीचे हो तो गई लन माइनस माइनस गई लन। अब का हो तू देख रहा खाली एगो 16 हटा गए ना, 16 के बाद एक 10 भाई हटे तो ऊपर 10 अगला 10 है तो 10 गई हई चार बार में गई चार चौको 16 के 6 आ चार ते बार एक 13 कत गए 34 चौक 136 तो यन बराबर कली में चार यन बराबर अरे स्क्वायर हटाओगे तो कली में चल गए स्क्वायर हटाओगे तो कली में तो यन बराबर चार के दो पढ़े लो चार है तो दो तक नौ है तो तीन 25 है तो पाँच छः वही निकल गई। अब यही में रखा जाए कौन यह संवेग पूछा था कोणिया संवेग सबको याद आता है ना जे लिख लो। अब सोचो कि सर आप एम वी आर लिखते हैं ना तो सुन लो द्रव्यमान संवेग और दूरी गुणनफल के यही कहा जाता है तो सुनो ध्यान से सब लोग तो जे बराबर एन एच अपान टू पाई यन निकल चुका है ना तू एच का मान 14.6 × 10 के ऊपर माइनस 34 दो पाई का मान 3.14। अब एक काम करो दो से दो कट गया अब भाई दोनों में बस दसवला हटा के तरह भाग दे देवे को कुछ करेंगे छाछठ हो गई नीचे 10 हो जाए भाई दो गो अंक बाद ऊपर 100 बढ़ी तेन देखते रहना दो गो अंक कह गो अंक ऊपर क्या बढ़ेगा दो गो जीरो 10 को मैंने 34 दिखाई दे नहीं रहा होगा थोड़ा और इधर चल चलिए ना। अरे चलो चलो चलाइए अरे बच्चे है ना मान ली आपका हेल्प करना चाहिए जो भी बच्चे हैं किसी को दिखाई नहीं देता आपका जिम्मेदारी होता है कहीं कि मैं इधर आ रही हूँ ना आप ही आ जाइए तो आपको दिखाई नहीं दे रहा दिमाग में कोई बड़ा सोच रखना चाहिए कोई भी हो बोले हमें नहीं अच्छा ये बात तभी लोग सोचा अच्छा नहीं हाँ तो क्या करेंगे भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2.1 × 10 के ऊपर कितना माइनस 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 34 किलोग्राम लीटर मीटर वैसे गए ये आपका मात्रा कोई पढ़िए आप लोग बात बीच में करने लगते हैं कहाँ मिल जाएगा बताइए पढ़ाई एक जीने की कला है बाबू कोई एमएससी कर लिया है और अगर 10 वाले बच्चा से लड़ाई कर रहा है तो एमएससी करने से उसको कोई फायदा नहीं है। अगर आप इंटर में पढ़ते हैं 10 वाले बच्चों के साथ बात करते हैं तो आपको बात करिए सही है लेकिन अगर झगड़ा झंझट करते हैं लड़ाई करते हैं तो फिर आपको इंटर तक पढ़ने से फायदा क्या। पढ़ाई किसके लिए किया जाता है जीने जिंदगी जीने के लिए किया जाता है कि जब आप पढ़े तो पढ़ाई का यूज होना चाहिए। आपने इतना पढ़ा और इसका जब यूज नहीं किया दिमाग का सबसे बड़ा अगर सबसे अधिक आप पढ़े तो आपका दिमाग सबसे बड़ा होना चाहिए। पैसा की बात में नहीं पैसा कमाने में नहीं आहान इसको छोड़ के अन्य क्षेत्र में समझ रहे बात किसके लिए पढ़ते हैं पैसा कमाने के लिए ना लोगों की सेवा करने के लेकिन आपका भी पेट भरना चाहिए भी ध्यान रखना। चलो मिटा इसको बताओ सब लोग समझ में आया पहले यन निकली है और जब यन निकली तो जेड बराबर एन एच अपान टू पाई तो पढ़ना बड़े यह बोहर के द्वितीय परमाणु परिकल्पना ठीक है मिटाए इसको सब आपके सामने टीवी स्क्रीन पर सूत्र दिखाई दे रहा है बस क्लिक करिए सूत्र आ जाएगा। पहला बटन दबाएंगे तो डेल्टा ई बराबर एच नहीं दूसरा का दबाएंगे तो एच सी बता लैम्डा तीसरा का दबाएंगे तो सी बराबर नेवी इंटू लैम्डा दबाते रहिए। चलिए तीसरा आ जाइए तीसरा सवाल पर चले हम लोग अच्छा सब लोग समझो हरोजना परमाणु में प्रथम और बोर प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या मैंने प्रथम कक्षा की त्रिज्या दे दिल कहते ना 0.53 एंगस्ट्रांग 0.53 एंगस्ट्रांग तो इसकी दूसरी तीसरी और चौथी कक्षा की त्रिज्या आपको क्या करना अच्छा आप याद करिए क्या करिए याद करिए क्या याद करिए क्या याद करिए ये वाला सूत्र याद करिए वाला जब त्रिज्या की बात करेगा कक्षा की बात करेगा तो देखो दोनों बात है त्रिज्या की बात करेगा भाई ऊपर देखो यार बात मत करो सीधा बैठे असिस्ट है झुक कर नीचे मत बैठो चलो बका बका बोलता रहा सही कह रहा लड़का हूँ जो त्रिज्या है वह एन स्क्वायर के समानुपाती होता है जो त्रिज्या है वह एन स्क्वायर का है समानुपाती देखो ना यहाँ से देखो आर है एन स्क्वायर है तो एक काम करो देखो ध्यान से तुम लोग चाहो
तो यहाँ R1 कर लो, हटा दो तो यहाँ N1 हो जाएगा। यहाँ R2 कर लो तो यहाँ N2 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। अब तेरे दिमाग लगाओ तुम लोग, अगर हम समझो यहाँ से हमें क्या निकालना है बाबू, R2 निकालना है, R3 निकालना है, तो R2 के बराबर के पहले रखना है, अब वो नीचे नहीं बटन में नहीं ऊपर, तो काम करे अगर हम यहाँ पर R2 का दे तो ये N2 हो जाएगा, तेरे बताओ यहाँ पर R1 कर लें तो ये N1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो तुम ध्यान से। अब हैकरा का हम हटा दें तीसरा जी गुणा करें तो इधर R1 आ जाएगा, बताओ समझ लो सूत्र बन गया, समझे एकदम धीरे धीरे बताएं, अब तो समझ ही जाना चाहिए। अब देखिए जब दूसरा के कहेगा तो R2 तो यहाँ रखो, चलो R2 तो यहाँ रखो, अच्छा दूसरा के कहेगा तो यहाँ N2 की जब क्या लिखाएगा, दो का स्क्वायर N1 का मान एक होगा, पहला तो एक R1 का मान तो दे दे 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो एक का स्क्वायर एक होगा और दो का स्क्वायर 4 और 0.53 एंगस्ट्रॉम, और भाई 4 से गुणा करो, 4 तीन 12, 4 फिर 20 21, लेकिन दो अंक बाद ये 10 लागी एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, तो ये R2 का मान आ गया। अच्छा ही बुझाएगा सूत्र क्यों बना ला, समझ पाती है ना, अगर आप यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, अगर यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4, नीचे तो फिक्स है N1 क्योंकि ये R1 जब फिक्स है तो N1 भी फिक्स है। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि यहाँ से तो तुम्हारा सेकेंड नंबर है R3 निकालना है तो निकल जाएगा ना, यहाँ पर N3 का स्क्वायर बटा में तो N1 तो एक आएगा, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, R1 है तो एक आ जाएगा, एक भर हो गया था है के भर दो, 3 का वर्ग हो जाएगा गुण है 0.53 है तो 3 का वर्ग 9 एंगस्ट्रॉम लिख देना बाबू, नहीं लिखो तभी कोई बात, अंतिम में लिख देना 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो 9 × 3 = 27 के 7 और 9 × 5 = 45 और 2 × 47 4.77 एंगस्ट्रॉम। अब इसमें R4 का भी पूछ रहा है तो R4 है तो यहाँ पर N4 कर लो, तो N4 का डायरेक्टली 4 का स्क्वायर कर लो, नीचे एक का स्क्वायर उतना ही होगा, R1 का मान 0.53 दिया गया एंगस्ट्रॉम में, अब कहा होगा ये 16 हो जाएगा और ये कहा हो जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, 16 से गुणा कर 16 × 48 = 8 16 × 85 = 84 तो 8.48 एंगस्ट्रॉम है, हो गया ठीक है, थोड़ा बना दो आपके अवतार में सेम दूसरे मैसेज बना दो बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के पास आते हैं, बुझाता समझ में आता उम्मीद का, अरे आएगा काहे नहीं आएगा, नहीं आएगा तो फिर क्या किया जाएगा, फिर एक बार पढ़ा जाएगा इसको, मैंने सीख कर जाना ही आपको कहीं दूसरे के घर व दूसरे के स्कूल में जाकर आपको लिखना, सरकार के देख रेख में आपको लिखना, सीसी कैमरा के देख रेख में आपको लिखना, थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे पकड़ा जाएगा, फिर आपका लखनऊ से वो देखते हैं सब, अगर आप यहाँ पर गलती करें लखनऊ से, अगर 4 से ना हो तो लखनऊ से आगे तरह पकड़ सकता है सर, लखनऊ से फोन आया गोरखपुर, गोरखपुर से कुशीनगर से जाना स्कूल है उस पर फिर आपके पास पहुँच जाएगा अधिकारी तुरंत, और पता भी चल जाएगा कि कमरा नंबर इतना में इतने नंबर बेंच पर ये नाम की लड़की बैठी हुई, क्योंकि उसके पास पूरा डाटा है नहीं है, पूरा डाटा वो रखा हुआ है, अगर आप लोग का सिग्नेचर कराने के लिए आता तो कौन बैठता है सरकार ना, चले आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं, अच्छा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जल्दी से देखते हैं हम लोग, जल्दी से कह रहा है कि एक आयनित हीलियम परमाणु की, सुनो एक आयनित हीलियम परमाणु, बताओ हीलियम के परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2, अरे दूसरा नंबर तत्व भैया, तो कह रहा है कि एक आयनित हीलियम परमाणु की पहली कक्षा के त्रिज्या माने R1 का मान कितनी होगी आपको बताना, पहली कक्षा के त्रिज्या आपको क्या करना है बताना, पहली कक्षा के त्रिज्या आपको बताना, अच्छा याद करो सब ध्यान से, तो कैसे आप निकालेंगे ठीक है ना, निकालने का तरीका क्या है कि एक हीलियम परमाणु की पहली कक्षा के त्रिज्या कितनी होगी ये आपको निकाल करके दिखा दें। तो अभी आपने कहा गया था सर R2 अगर लेता है तो यहाँ, अगर R2 लेता है तो यहाँ N2 के स्क्वायर इधर, अच्छा पहली पूछ रहेगा तो पहली पूछेगा तो यहाँ पर R1 लिखो तो ऊपर हो जाएगा N1 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा N2 का स्क्वायर, हैजा हो जाएगा काची, जो R दिया होगा त्रिज्या उसको हम लोग लिखेंगे ठीक है, जो भी त्रिज्या दिया होगा उसको हम लोग लिखेंगे।
तो जब आप हल करेंगे इसको, तो हल करने का मतलब देखा आपके किताब में लिखा है कि जो त्रिज्या होता है वह जेड के वृत्त का अनुपाती होता है। अभियान वन मतलब ऐसा लगाओ, जो त्रिज्या होता है वह जेड के वृत्त का अनुपाती होता है, होता है ना जी। यहाँ से देखो त्रिज्या जो है नीचे जेड है, तो त्रिज्या जेड के वृत्त का अनुपाती है। अच्छा बताओ जेड क्यों लिया जा रहा है? इसका पहले कक्षा दिया था ना, तो इसलिए एन एन लिया जा रहा था। ये मैं डायरेक्टली त्रिज्या दिखा रहा है। देखो इसमें लिखा है ना कि एक आयनित हीलियम परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी, डायरेक्टली त्रिज्या पूछ रहा है। तो हो गया, पहली कक्षा की त्रिज्या पूछ रहा है। त्रिज्या तो पहले व्युत कर्म पाती है ना, तो त्रिज्या तो क्या होता है, ये आर वन हो जाएगा, तो ये जेड वन हो जाएगा, और ये जेड वन हो जाएगा, हटा दो, और फिर जब आर टू लिखोगे तो नीचे का नीचे जब बढ़ा तो नीचे एक बोटा जेड टू हो जाएगा। अभी जेड टू जो होगा चला जाएगा ऊपर, ये बोला जेड वन है ना, एक बोला क्या होगा जेड टू, ये जाएगा सबसे ऊपर चला जाएगा जेड टू, यहाँ पर जेड टू होगा। व्युत कर्मन पाती होता तो उल्टा लिखते हैं, आर वन तो ना जेड टू, यानी आर टू तो है ना जेड वन, लेकिन निकालना कहा है आर टू करो तो बदल दो, आर टू ऊपर कर लो तो ये भी बदल जाएगा, जेड वन ऊपर कर दो जेड टू नीचे कर दो, तब आर टू निकालना है, तब पलटे है ना, आर वन नीचे आ गया, ये पलट रहा है बस, यहाँ पर लिख सकते हैं व्युत कर्म करने पर तो आर वन आपका चला जाएगा ऊपर, उल्टा हो जाएगा, आर वन कहाँ चला गया ऊपर, तो आर टू बराबर क्या होगा जेड वन का मान तो एक रख लो। पहले देखा लिखा है कि एक आयनित हीलियम परमाणु की, हीलियम का पूछा था, हीलियम का पूछा था तो पहला तो एक हो जाए, लेकिन हीलियम का तो कितना वाला नीचवा जेड टू का मान टू, और तू आर वन का मान त्रिज्या जानते बड़ा लगभग 5.5 इतना एंगस्ट्रॉन होता, तो आर टू बराबर क्या हो जाएगा भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, भाग जब देखो तो 2×4 हो जाएगा, 6×12 हो जाएगा, लगभग 2.265 एंगस्ट्रॉन आ जाएगा, हो गया बन गया, यही आपकी त्रिज्या। मैं परमाणु क्रमांक की बात कर रहा, सब यही जैसे सूत्र बनाता है जैसे जेड के समानुपाती होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं हम लोग, 5 भी तो लगा लेंगे आप। कहा देखो सब लोग, सोडियम परमाणु का प्रथम उत्तेजन विभव 2.1 वोल्ट दिया है, समझ रहे हैं, 2.1 वोल्ट दिया है, किसका मान दिया मालूम है, किसका मान दिया, वी का मान दिया, वी का मान दिया, कह रहे ना तो ना 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 छुट्टी नहीं क्या, हाँ चलिए तो क्या होगा, कह रहे सोडियम परमाणु के प्रथम उत्तेजन विभव, देखो विभव का मतलब होता है भी, कितना दे दिया है 1.2 वोल्ट, 2.1 वोल्ट दिया है बाबू। और क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तरंग दर लैम्डा का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, अच्छा अपने मन से लगा लेंगे तो सोचिए क्या लगा के, सोचिए आप पढ़े तो याद करो, डेल्टा ई बराबर एच सी बटा में कहाँ डल भाई में ना अच्छा सुनो अरे हो जाएगा, भी बराबर पड़े है ना W/Q, भी बराबर क्या होता है W/Q, तो W बराबर क्या होता है भी गुणा क्यू, और क्यू की जगह पर ई, और W की जगह पर क्या लिखा जाएगा डेल्टा ई, तो जहाँ डेल्टा है तो आप भी ई भी लिख सकते हैं, भी गुणा ई बराबर HC/λ, तो लेमडा बराबर आ जाएगा HC/VE। अभी मैं कुछ नहीं करके, यच का मान आपके पास मौजूद होता है 6.6×10 के प्रमाण 34, सी का मान भी मौजूद होता है 3×10 के ऊपर 8, भी आपका दिया है 2.1, ई आपका दिया है कितना 1.6×10 के ऊपर -19, तो ये 5 सवाल थे।